इंडियन हार्टबीट होटल। हेलो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग पर आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि गाइस अभी यहां पर मैं अभी बैठा हूं रोड के साइड में, ये रहा, और अभी मतलब 11 बज रहा है लगभग। और क्या ना गाइस, मैं अभी जा रहा हूं नहाने के लिए, और क्योंकि आज रात में मुझे बारात निकलना है बंगाल, धनबाद से बंगाल निकलना है। तो और मतलब भाई का शादी है, मतलब कोई फैमिली रिलेशन में ही लगता है भाई, तो उसी का शादी है। तो आज मैं बारात निकलूँगा रात के 8 बजे। अभी जा रहे हैं नहाने के लिए और रेडी हो जाते हैं और यहाँ से निकलना, क्योंकि यहाँ हमको वहाँ 4 बजे पहुँच जाना है। तो मैं पहले जाकर रेडी हो जाता हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि जाने में भी समय लगता है। तो चलिए गाइज, आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए और आप लोग को मैं बारात दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ मैं बारात, और यहाँ से भी ऑटो पकड़ूँगा, तब वहाँ से फिर जाऊँगा स्कॉर्पियो पर बारात में। तो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग पर बने रहेगा। सो गाइस, धनसार पहुंच गए जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और मैं यहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा, पूरा प्रदूषण फैला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोयला जल रहा है और इसी से पूरा प्रदूषण पूरा हो रहा। ये रहा गाइस, देख सकते हो इधर चारों तरफ माइंस है, इधर भी। अभी हम चिकुंडा मार्केट में रुके हुए हैं और यहाँ पर अभी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं दूल्हा के गाड़ी के लिए। तो अभी देख सकते हैं हम लोग का गाड़ी यहाँ पर, गाइस सारा गाड़ी यहीं पर खड़ा है, सब एक जैसा स्कॉर्पियो है, ठीक है। वहाँ तक टोटल 14 गाड़ी है। अब यहाँ से निकलेंगे, बस अब थोड़ा ही दूर बाकी है पहुँचने के लिए, अब पहुँच जाएंगे। इंडियन हार्टबीट होटल के बगल में रुके हुए हैं, देख सकते हो गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहीं पर रुके थे, पीछे हम लोग का गाड़ी खड़ा है, और यहाँ पर देख सकते हो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और चिनाकुड़ी पंपिंग स्टेशन है ये। और अभी के सुबह का देख सकते हो मौसम कैसा, कोहरा कोहरा छाया हुआ है, और ये ग्राउंड है यहीं, और बगल में मंदिर है। तो देख सकते हो यहाँ पर बाकी सब रात में गाड़ी चला गया है, बाकी 2-3 गाड़ी रुका हुआ है यहीं पर, तो इसी से भी हम लोग जाएँगे। ठंड भी बहुत है और बगल में यहाँ पर बराकर नदी है, तो देखने को मिलेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर लास्ट में यहाँ से चलेंगे। सो गाइस, ये रहा बराकर नदी जो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, और कोहरा कोहरा छाया हुआ है, तो आप लोग को शायद हल्का हल्का दिखेगा, नहीं तो बाकी नहीं है दिखेगा। तो ये रहा, तो देख सकते हो गाइस, ये रहा बराकर नदी, और वो जो देख रहे हो ना, वो क्या पानी सप्लाई करने वाला, वहाँ सब पानी सबको पीने के लिए भेजा जाता है। तो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये शादी वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ ही चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।